हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। इस वीडियो में बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस के बारे में, हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल अवधारणा। तो मोल अवधारणा हमने पढ़ा था, उसका डिफिनेशन पढ़ा था, उसका फार्मूला क्या होता है वो सब पढ़ा था। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, आप वहां से उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ये जो है टॉपिक देखिए, हालांकि आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा। कह रहा है ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए तथा इसके एक अणु का भार ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि ग्लूकोज का अणुभार, ये तो ठीक है, ये कह रहा है इसके एक अणु का, ठीक है, इसके एक अणु का हम भार ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे उसको समझते हैं। तो लिखेंगे ग्लूकोज का अणुभार, तो C6H12O6 का अणुभार निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या कितनी है 6 है और एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 समय, एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, तो 6 का कितना होगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 6 72 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, अब जब अगला तत्व आएगा तो आप प्लस लगाएंगे। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 12 है और इसका परमाणु भार कितना होता है 1, तो 1 का जो है 1 का कितना होगा 1 होगा, तो 12 का कितना होता है, तो 12 × 1 करोगे प्लस ऑक्सीजन देखिए कितनी है 6 है, तो 6 × लिखोगे और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 होता है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, यहाँ 16 हो जाएगा तो 12 × 6 कितना हो जाएगा 72 हो गया और प्लस 12 हो जाएगा 16 × 6 = 96। तो अगर इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल आरएस में। तो इसका मतलब ये है कि अब ये तो हमें मिल गया अणु भार, लेकिन कह रहा है कि एक अणु का भार बताइए। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमने 180 ग्राम जो है पदार्थ लिया, किसका, ग्लूकोज का मिला हमें, ठीक है, उसमें कितने अणु, ठीक है, कितने अणु हैं, यानी हमें पहले अणुओं की संख्या पता करना पड़ेगा। तो अणु की संख्या कहां से निकलेगा, मोल कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एक मोल पदार्थ ले रहे हैं तो एक मोल, अब देखिए इसका जो अणुभार होता है उसी को क्या कहते हैं, हम मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं, यानी एक मोल का जो द्रव्यमान है तो हम कहेंगे वो कितना है 180 है, यानी देखिए ग्राम पर मोल दिया हुआ है, यानी पर मोल मतलब क्या, एक मोल में उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा है, देखिए कितना है 180 ग्राम है, तो एक मोल, ठीक है, एक मोल लिया कह सकते हैं 180 ग्राम, ठीक है, ग्लूकोज में उपस्थित अब देखिए अणुओं की संख्या, अणु निकालना है तो यहां अणु लिखेंगे, ठीक है, तो अणुओं की संख्या बराबर क्या होगी, एवोगैड्रो संख्या के बराबर होगी। तो 6.022 × 10⁻¹⁰ लिखते हो 23 लिखते हो, यानी एक मोल अगर आप ग्लूकोज ले रहे हो या उसी को हम कहेंगे 180 ग्राम आप ग्लूकोज ले रहे हो तो उसमें अणुओं की जो संख्या होती है वो 6.022 × 10⁻³³ होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इतने अणु हमारे पास हैं, इतने अणु क्या है ग्लूकोज के हमारे पास हैं, यानी 6.022 × 10⁻³³ ये इतने अणुओं के कारण जो है ग्लूकोज का जो भार आया है वो कितना है 180 ग्राम आया है। तो कह रहा है एक का बता दो, पास है ना, एक का बता दो। तो इसका मतलब क्या होगा कि इससे हमें, यानी पूरे टोटल अणुओं की संख्या में, अणुओं की संख्या से हमें क्या करना होगा 180 में भाग दे दें, तो उससे क्या होगा एक अणु का हमें निकल जाएगा। क्लियर, तो हम लिख सकते हैं एक अणु ग्लूकोज का भार कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 6.022 × 10⁻³ कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2.99 आ जाएगा × 10⁻³ माइनस कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, इतना ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो एक बात ध्यान में रखना है कि अगर एक अणु का भार किसी का भी पूछता है तो पहले आप उसका अणुभार निकालिए, ठीक है, अणुभार निकालने के बाद आप जानेंगे कि जो अणुभार होगा यानी जितना द्रव्यमान आया है, देखिए 180 ग्राम पर मोल आया है, यानी 180 ग्राम का जो पदार्थ आप ले रहे हैं तो उसमें अणुओं की संख्या जो होगी वह एवोगैड्रो संख्या के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम कहेंगे एवोगैड्रो संख्या मतलब इतना, इतने अणु हैं उसके पास। अब पूछ रहा है कि हमारे पास जैसे मान लीजिए कि 100 अणु पूछ रहा है, 100 अणु का कारण मान लीजिए उसका द्रव्यमान कुछ आ रहा होगा, मान लो 100 अणु के कारण उसका 100 ग्राम आ रहा होगा, तो एक अणु के कारण कितना आएगा तो 1 ग्राम आएगा। इसका मतलब है 100/100 किए होंगे, वही है कि टोटल अणुओं की संख्या कितनी है आपकी, इतनी है, अगर उसको क्या करो 180 में भाग दे दो तो आंसर आ जाएगा कि एक अणु का भार कितना होगा। क्लियर,
तो अब देखते हैं यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के 4.4 ग्राम में मोलों की संख्या तथा अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोलों की संख्या तथा कह रहा है कि जो है अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है एसटीपी पर, ठीक है, एसटीपी पर आयतन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी सिंपल टेम्परेचर और प्रेशर पर इसका आयतन भी ज्ञात करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या जो है हमें निकालना है। तो कह रहा है कि यहाँ पर भार दिया है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का भार या द्रव्यमान दिया है आपका 4.4 ग्राम, और हमें ज्ञात क्या करना है, मोलों की संख्या। क्या ज्ञात करना है, मोलों की संख्या। तो जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, या किसी के मोलों की संख्या, अगर मोलों की संख्या बराबर बात करें तो भार बटे क्या हो जाएगा, भार बटे अणुभार, भार बटे क्या हो जाएगा, अणुभार होगा। अब हमें तो अणुभार पता नहीं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार, ठीक है, तो अगर बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक है, तो एक का कितना होगा 12, प्लस 12 एक 12 हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन कितना है 6 है, सॉरी 2 है, और एक का कितना होगा 16, तो 16 दूनी 32 और 12 कितना हो जाएगा 44, यानी 44 ग्राम पर मोल या एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं भार कितना है 4.4 है, देखिए भार कितना है आपका 4.4 है, और भार कितना आ गया 44, तो अगर आप दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा, तो इसको लिख सकते हो 440। ठीक है, यानी इस पर भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 आ जाएगा, यानी हमें 0.1 मोल मिल गया। ठीक है, यानी मोलों की संख्या हमने ज्ञात कर ली। अब कह रहा अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब चूंकि हमें पता है कि अगर हम एक अणु जो है पदार्थ ले रहे हैं, यानी एक मोल अगर कोई पदार्थ ले रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो उसमें अणुओं की संख्या क्या होगी, एवोगैड्रो संख्या के बराबर हो जाएगी। तो क्या करोगे, चूंकि हम जानते हैं क्या होगा, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित अणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 6.022 × 10²³ अणु हो जाएगा, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, अब कह रहा है कि 0.1 में, इसमें पूछ रहा है अणुओं की संख्या बताना है, किसमें हो जाएगा, 0.1 में बताओ, तो इसलिए 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित अणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 0.1 लिखोगे × 6.022 × 10², क्या हो जाएगा 23। अब इसको अगर हम लिखें तो इस भाग दोगे, गुणा करोगे तो कितना आएगा, 0.6 आ जाएगा, 0.22 × 10²³ हो जाएगा। लेकिन आप इसको अगर इस टाइम में लिख रहे हो, 6 पॉइंट में लिख रहे हो, यानी साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखोगे तो 6 पॉइंट हो जाएगा 0.22 × 10²³, क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा तो हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इतने अणुवाहक जो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल अणुओं की क्या होगी, ये संख्या होगी। अब कह रहा है एसटीपी पर भी आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एसटीपी पर आयतन ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं कि अगर हम सिंपल टेम्परेचर प्रेशर समान ताप या दाब, या जिसे हम नॉर्मल टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, एनटीपी भी बोल सकते हैं, तो एनटीपी पर जो है अब कोई गैस है, अगर वो एक मोल है, अगर कोई एक मोल गैस अगर एसटीपी पर ले रहे हैं तो कितना आयतन घेरता है, तो उसके बारे में हमने बात किया था 22.4 लीटर, कितना 22.4 लीटर आयतन घेरता है। तो अगर हम बात करें तो चूंकि हम क्या जानते हैं, ठीक है, चूंकि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, के द्वारा कितना आयतन घेरा जाएगा, के द्वारा ऐसे लिखेंगे घेरा गया आयतन कितना होता है, अगर कोई गैस है और उसको हम एक मोल लेते हैं तो कितना वो आयतन घेरता है, 22.4 लीटर आयतन क्या करता है, वो घेरता है। अब हम बताएं कि यह 0.1 मोल में कितना घेर लेगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.1 जो है मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा घेरा गया जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, 0.1 होगा × 22.42 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2.242, क्लियर, इतना आ जाएगा वॉल्यूम, यानी लीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 0. जब एक मोल हमारे पास अणु आया तो उसके द्वारा घेरा गया जो आयतन होगा वह 2.242 लीटर होगा। क्लियर, तो ये दूसरा क्वेश्चन होगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तो अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.9 ग्राम जल में H2O का
अणुओं की संख्या बताना है और उसके बाद ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, वो कितने मिलेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर हमें अणु की संख्या निकालना है, परमाणु की संख्या निकालना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या करोगे, मोलों की संख्या निकाल लो। तो आप जो गिवन है वो क्या दिया हुआ है उसको निकालो। यहाँ पर देखो भार दिया है, यानी H2O का जो है वो भार दिया है, कितना दिया है, 0.9 ग्राम दिया है, ठीक है, 0.9 ग्राम। अब उसके बाद कह रहा है कि अणुभार निकालो, तो अणुभार की जरूरत पड़ेगी, तो जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है, ये तो जानते हैं, लेकिन निकाल लो, ठीक है। तो कितना हाइड्रोजन की संख्या 2 है गुड़े 1 होगा, प्लस ऑक्सीजन की संख्या 1 है गुड़े 16 होगा, 1 गुड़े 16 बराबर कितना जगह आपका 18 ग्राम पर मोल या एटॉमिक मास यूनिटी। अब इसके बाद कह रहा है मोलों की संख्या ज्ञात करिए, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, मोली ने मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, भार बटे अणुभार, लगाओ यहाँ पे भार बटे अणुभार। तो यहाँ जल का जो भार है वो 0.9 है, क्लियर, और अणुभार जो है वो 18 है, तो 10 मोल हटाओगे तो 9 हो जाएगा और ये आ जाएगा 180, तो 9 दुनी 18 तो आ गया 120, ठीक है। तो इसको जब सॉरी 1/20, अब इसको जब सॉल्व करोगे आएगा 0.05 हो जाएगा, इतना मोल आ जाएगा आपका, ठीक, 0. कितना आएगा, पॉइंट बढ़ाओगे तो 10 होगा 100, यानी 10 बढ़ाओगे फिर 0 बढ़ाओगे 100 होगा, हाँ ठीक है, 0.05 मोल आ जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर मोलों की संख्या पता चल गया, तो आप क्या करोगे, अणुओं की संख्या निकालो। तो अगर हम बात करें H2O के अणुओं की संख्या, तो आप जानते हैं चूंकि 1 मोल, ठीक है, H2O में H2O अण यानी जल के जो अणुओं की संख्या होती है, अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है, अणुओं की संख्या अगर हम बात करें तो 6.022 × 10²³। बस मैं अगर वो कोई एक मोल ले रहे हैं तो उसमें परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या कितनी होती है, 6.022 × 10²³ होगा। यहाँ अणु बात कर रहे हो तो यहाँ पर अणु ले लोगे, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कितना मोल हमें मिला, 0.05 मिला, तो इसलिए लिखेंगे 0.05 मोल H2O में, मोल H2O में H2O के अणुओं की संख्या, H2O के अणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 6.022 × 10²³ कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा गुड़े 0.05। अब इसका देखोगे तो अगर लिखें तो 6.022 × 10²³, क्लियर। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इसको लिख सकते हैं 5×10², कितना, -2, इसको अब इसका गुणा कर दो तो 6 × 12 = 5 × 10 और 1 = 11 हो जाएगा और 0 हो जाएगा और 11 आ जाएगा, तो यहाँ 11 लिखोगे और 6×5 = 30 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। दशमलव लगाओगे तो दो अंक के बाद 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 तीन के अंक के बाद लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा 30 पॉइंट, यानी हम कह सकते हैं यहाँ आ जाएगा 30.110 आ जाएगा गुड़े। अब 10¹ देखिए घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा। अब लेकिन अगर आप इस दशमलव को इधर ला रहे हो तो 3.0110 हो जाएगा, तो इंटू लिख सकते हो कि 10²², यानी इतने अणु हमें H2O के मिल जाएंगे। बस मेरा H2O का कितने अणु मिल जाएंगे, इतने, बस मेरा, देखिए एक मोल H2O का में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.022 × 10²³ हो जाएगा, तो 0.05 में कितना आ जाएगा, तो उसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना आप सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा। अब चूंकि कह रहा कि अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी में कह रहा है ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बता दो, तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कैसे बताओगे। अब चूंकि जानते हो कि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की संख्या H2O में कितना है, 1 है, तो यानी जितना H2O का अणु है उतना ही क्या होगा H2O के परमाणुओं की संख्या होगी, तो इसको हम ले सकते हैं चूंकि H2O में H2O के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है, अतः लिख सकते हैं 3.011
इंटू 10 पावर क्या 22 अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर कितना, उतना ही होगा जितना। अब मान लीजिए एक H2O ले रहे थे, ठीक है, तो एक H2O में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या जब एक आ रही थी तो इतना जब ले रहे हो यानी 3.011 × 10²³ अणु ले रहे हो तो उतना ही अणु होगा, ठीक है। तो 3.011 × 10²³ जब अणु लिए तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या इतनी हो जाएगी, बस मैंने सॉरी 22 था, यहाँ पर देखिए 22 था, यहाँ 22 लिख लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 22, यानी इतने ऑक्सीजन परमाणु क्या हो जाएंगे आपको मिल जाएंगे, क्लियर। अब यहाँ भी बात करें, एक थोड़ा सा और सीख लेते हैं, अगर इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना होता, क्या हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी होती तो हम कैसे ज्ञात करते, ठीक है। तो आप हाइड्रोजन थोड़ा हम समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन भी अगर या किसी का भी अगर बात करते कुल परमाणुओं की संख्या पूछता या हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, H2O में कितने एटम्स हैं 3, ठीक है, H2O में कितने हैं 3 है, तो इसको और अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु कामा करके लिख लीजिए, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बताइए, तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का बात करें, चूंकि H2O के एक अणु में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर कितना है 2 है, यानी एक अणु अगर वाटर ले रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो कह रहा है कि इतने में कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 3.011 × 10²², ठीक है, H2O अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर क्या लिखोगे 2×6.022×10⁻¹ कितना 22, मल्टीप्लाई कर दोगे 2×2 = 4, 2×2 = 4, 0 हो जाएगा, और उसके बाद 6×2 = 12, क्लियर, इतना हो जाएगा इनटू सॉरी हर वक्त योग एड्रो नंबर आ रहा है, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर इतने से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 होगा 011 × 10²² का जाएगा 22 हो जाएगा, योग एड्रो संख्या एक्चुअली याद हो गया उसी को बार बार आता है, तो 2×1 = 2, 2×1 = 2, 0 हो जाएगा, 2×3 = 6, ठीक है, × 10²² क्या हो जाएगा 22, ठीक है। तो इतने परमाणु क्या होंगे, हाइड्रोजन के मिलेंगे। अगर कह रहा है कि कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करिए, तो कुल परमाणु कितने हैं 2 है और 1 3 है, तो कुल परमाणुओं की संख्या क्या है 3 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3.011 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से और उससे आंसर आ जाएगा टोटल। तो जब भी आपको टोटल परमाणुओं की संख्या पूछे तो उसमें देख लो कितना है। अब मान लीजिए ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के परमाणुओं की संख्या, तो पहले ग्लूकोज के मोलों की संख्या ज्ञात कर लो, बाहर कुछ ले लो, और उसके बाद क्या होगा, आप उसमें देखो कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो उसको आप देख सकते हो और इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखते हैं, चलिए, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी गैस का अणुभार जो है 45 दिया हुआ है और इसका STP पर घनत्व बताइए, ठीक है, घनत्व पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का है, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, देखिए कह रहा है अणुभार है तो यानी 45 दिया है तो यानी 45 ग्राम पर मोल है, तो हम कह सकते हैं इसमें जो अणुभार है, ठीक है, उसको हम ले सकते हैं इसका मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या ले सकते हो 45 ग्राम, क्या ले सकते हो 45 ग्राम, यानी एक मोल में क्या होगा आपका 45 ग्राम होगा। कह रहा है STP पर जो है इसका घनत्व बताइए, तो घनत्व तो पूछ रहा है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व, ठीक है। अब द्रव्यमान की वैल्यू कितनी है 45 है, और आयतन जो है, ठीक है, अगर STP पर, देखिये STP पर है तो इसका मतलब है ये क्या करेगा 22.4 लीटर आयतन क्या करेगा घेरेगा 22.4 लीटर, तो घनत्व की गणना कर सकते हो यहां से, तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व बराबर लिख सकते हो 45, इसको पक्षांतर करोगे तो क्या बटे में जाएगा, तो 22.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22.4। अब देखो इसको ले सकते हो, 0.5 हटाओगे तो 450 आ जाएगा, ये हो जाएगा 224। अब इसको भाग दोगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा,
2.0 मान लीजिए, अब देखिए 2. समथिंग आएगा, तो इतना जो है इसका ग्राम पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ घनत्व को आ गया 2. आएगा, तो 2.0 देखिए यहाँ पर आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आप देख रहे हैं, यहाँ कह रहा है 0.44 ग्राम नाइट्रोजन का एक रंगहीन ऑक्साइड एचटीपी पर कह रहा है 224 CML आयतन घिरता है, तो वह यौगिक कौन सा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए N2O कह रहा है NO है और N2O3 है और NO2 है, ठीक है, तो कैसे हमें ज्ञात करना है, अगर सोचिए तो ये कह रहा है कि इसका बात करना है, यानी हमें ये तब पता चलेगा जब हम इसका अणुभार ज्ञात कर लें, अणुभार ज्ञात कर लें या मोलर द्रव्यमान जिसे कहें वो ज्ञात हो जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है गैस कौन से होंगे। तो कैसे ज्ञात होगा, तो हम कहेंगे कि 22.4 लीटर जो ML आयतन जो है, सॉरी 224 ML जो आयतन जो है वो नाइट्रोजन के द्वारा घेरा गया है, तो उसका द्रव्यमान कितना आया है आपका, 0.44 आया है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कि 224 ML, ठीक है, गैस का जो भार होगा, जो कौन सा गैस है, नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का कोई गैस है का भार कितना आया है आपका, दिया हुआ है 0.44, देखो 0.44 ग्राम दिया हुआ, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो एक ML गैस का, एक ML जो है नाइट्रोजन गैस का जो भार होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा इसको क्या करोगे, बटे में ले जाओगे, तो 0.44 डिवाइडेड बाय क्या है, 224 ML। अब हमें बात करना है मोलर द्रव्यमान की, तो मोलर, ये देखो ये भार है या द्रव्यमान है, तो इसको बात करोगे तो अगर हम एक मोल का गुणा कर दे तो मोलर द्रव्यमान होगा, और मोलर द्रव्यमान ही क्या होगा, और भार के बराबर मान लिया जाएगा, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान तो हम ले सकते हैं कि एक मोल, ठीक है, एक मोल गैस यानी नाइट्रोजन गैस का जो भार होगा, का भार या द्रव्यमान, तो एक मोलर द्रव्यमान होगा, तो अगर इधर एक मोल का गुणा कर रहे हो तो मोलर इधर भी करना पड़ेगा, तो 0.44 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 224 आ रहा है इसमें। तो आप जानते हैं कि अगर कोई एक मोल आप गैस ले रहे हो तो उसका आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर होता है, तो 22.4 लीटर हो गया, तो 22.4 लीटर को ML में बदल लो तो क्या हो जाएगा आपका, तो हम कह सकते हैं हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा 22400, तो यहाँ लिखोगे आप 22400 ML, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ML है, यह भी क्या है आपका ML है, और ये क्या था आपका ग्राम, तो ML कैंसिल हो जाएगा, इसको काटोगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, बचेगा 100, अब 100 के गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका, 44 ग्राम, या हम कह सकते हैं एक मोल का जो भार होगा, नाइट्रोजन गैस का जो भार होगा उसी को हम क्या कह सकते हैं, उसका मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन गैस, ठीक है, का मोलर द्रव्यमान या अणुभार, मोलर द्रव्यमान बराबर कितना आ जाएगा आपका, 44 ग्राम। अब 44 ग्राम आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें किसका 44 आ रहा है, तो देखिए N2O का अणुभार अगर देखें, ठीक है, N2O, तो N2O में अगर देखें का अणुभार निकालना है तो कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का कितना है आपका, 14 होता है, 14 × 28 हो जाएगा और प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है, तो 8 × 4 = 14 यानी लास्ट में 4 आ रहा है, ठीक है, 8 × 6 = 14 हो जाएगा और 2 × 1 = 3 और 1 = 4, देखो 44, ठीक है, यानी 8 × 6 = 14 और उसके बाद जो है 2 × 1 = 4 यानी 44 आ गया, देखो इसका 44 ग्राम आ गया। अब अगला चेक कर लो, यहाँ पर NO दिया है तो NO का तो नहीं होगा, NO का कितना आता है, 14 हो जाएगा और प्लस 16 हो जाएगा, तो 14 और 16 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये भी नहीं है। N2O3 है तो ये तो बहुत ज़्यादा होगा, देखिए नाइट्रोजन 14 है गुणे 2 है तो 14 × 28 और 16 × 3 = 48, तो 28 + 48 ये तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और NO2 की बात कर लेते हैं, तो NO2 में अगर बात करें ये 14 है और 16 × 2 है, ठीक है, 14 + 16 × 2 16 × 32 है और 14 है कितना हो जाएगा आपका, 46 हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं ये तीनों क्या होंगे, आंसर नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, निकालेंगे, ध्यान देंगे कोई भार दिया है, वो आयतन दिया है, तो देखिए कह रहा है, फिर से समझिए, 22 ML अगर जो गैस है, गैस का जो भार है वो कितना है आपका, 0.44 ग्राम है, तो 1 ML का कितना हो जाएगा, तो इतना ले सकते हो, ठीक है,
तो 1 ml का ले सकते हो, ठीक है। चूंकि अगर हम 1 मोल गैस ले रहे हैं, 1 मोल का अक्ष के अगर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो भार है या द्रव्यमान है ये मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर 1 मोल ले रहे हैं तो इसमें भी 1 मोल गुणा करना पड़ेगा। अब 1 मोल मतलब क्या होगा, 1 मोल गैस जो है वो कितना आयतन घेरेगा, तो 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर को क्या करोगे, ml में जो बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा 22400 ml, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे आएगा 44 जब आ गया तो ये हो जाएगा आपका अणुभार, ठीक। तो इतना जब अणुभार आ जाएगा तो हमें कहेंगे कि यहां से आप चेक करो, यहां से चेक करो कि इसका उतना अणुभार निकलना, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मोल के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।